नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर हम आपको बता रहे हैं नोएडा से। नोएडा ट्रैफिक पुलिस द्वारा मरीज की मदद के लिए बनाए गए ग्रीन कॉरिडोर की सहायता से चिल्ला बॉर्डर से जेपी हॉस्पिटल सेक्टर 128 नोएडा तक समय से पहुंची एम्बुलेंस। आज दिनांक 1/10/2021 को गंगाराम अस्पताल दिल्ली से जेपी हॉस्पिटल नोएडा में एक मरीज को मानव अंग ट्रांसप्लांट किया जाना था, जो कि दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल से नोएडा पहुंचाया जाना था। ये सूचना ट्रैफिक पुलिस नोएडा को मिली। डीसीपी ट्रैफिक गणेश प्रसाद ने इस कार्य की जिम्मेदारी ट्रैफिक इंस्पेक्टर आशुतोष को सौंपी। परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए ट्रैफिक इंस्पेक्टर द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए चिल्ला बॉर्डर पर जाकर वहां से आ रही गाड़ी को रिसीव किया तथा एक ग्रीन कॉरिडोर बनाते हुए एम्बुलेंस को मात्र 14 मिनट में सकुशल जेपी हॉस्पिटल सेक्टर 128 नोएडा तक पहुंचाया गया। नोएडा से मनोज शर्मा की रिपोर्ट।